खरगोन जिले में ही मध्य प्रदेश के 28 सीटों पर हुए उपचुनाव की सरगर्मी जोरों पर दिखाई दी है। लिहाजा प्रदेश में चुनावी परिणाम भाजपा के खाते में जाने के बाद खरगोन जिले के भाजपा कार्यालय पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं की भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई थी। इस दौरान आतिशबाजी के साथ एक दूसरे का मुंह मीठा कराने की होड़ जमकर दिखाई दी। इस दौरान भाजपा नेता ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों को साकार करने की परंपरा में प्रदेश के मुखिया की कमान माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को दी है, जो निश्चित तौर पर आमजन हित में जन कल्याणकारी कार्य करने के प्रदेश को सशक्त बनाएंगे। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। उपचुनाव में जो जीत दर्ज की है शिवराज सिंह चौहान जी ने और प्रदेश में, अगर आप लोगों का किस तरह से ये जीत मध्य प्रदेश के हर उस मतदाता और उस किसान की है जिन्होंने कांग्रेस के वचन पत्र को समझा। उन लोगों को पता है कि धोखे में रखकर 2018 में जिस तरीके से कमलनाथ जी की सरकार बनाई थी, 1.5 साल में मध्य प्रदेश का हर किसान, हर समाज, हर वर्ग इसको बहुत अच्छे से समझ चुका था, जिसके परिणाम आज ये हैं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नूर मोहम्मद के साथ सरकार बनाने जा रही है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।